जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल ब्राइट के मास्टर। और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक्साइज कॉन्स्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही का फॉर्म फिल कर चुके होंगे। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को 10 किलोमीटर की रनिंग करना। बोलने का मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। जब आप फिजिकल टेस्ट में पास होंगे उसके बाद ही आपको एग्जाम में बैठा दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंस ज्यादा 70% इम्पोर्टेंस है कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फिजिकल्स पास करना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि पढ़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन उनका फिजिकल बहुत ही वीक होता है, वो दौड़ नहीं पाते हैं। तो आज मैं रनिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स कभी रनिंग किए नहीं हैं और वो एक्साइज कॉन्स्टेबल का फॉर्म फिल कर चुके हैं और वो चाहते हैं उनका जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छा है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन उनका जो रनिंग है वो रनिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए रनिंग स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बतला रहा हूँ। तो आज से 30 डेज बचा हुआ है हमारा, तो 30 डे में हम लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी लाए, स्ट्रेटेजी करें। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, वीकली को क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। जैसे जो स्टूडेंट्स कभी रनिंग नहीं किए और वो रनिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा, फर्स्ट डे उन्हें क्या करना होगा, जाना होगा फील्ड। फिर उन्हें पहले दिन उन्हें दौड़ के देखना होगा कि हम कितना दौड़ पाते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। जैसे कोई स्टूडेंट्स गए जो कभी रनिंग किए नहीं है वो 2 किलोमीटर की रनिंग कर लिए, तो उसे क्या करना है, वीकली में उसे डिवाइड कर देना। तो आपको क्या करना है, 3 डेज आपको 2-2 किलोमीटर ही रनिंग करना है, 2 किलोमीटर रनिंग करना है। तो अगर आप एक राउंड मार रहे हैं 400 मीटर का ग्राउंड में आप रनिंग कर रहे हैं, आप एक राउंड लगा रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर हम एक राउंड लगा रहे हैं तो हमको 2 मिनट में एक राउंड पूरी कर लेनी है। आप नए स्टूडेंट हैं उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आप एक राउंड लगा रहे हैं तो आपको एक राउंड 2 मिनट में कंप्लीट ही कर लेना। अगर आप 10 राउंड मारते हैं तो आपको 20 मिनट में पूरी कर लेना। इसी तरह आपको 3 डेज टोटल 2-2 किलोमीटर की रनिंग करना है। उसके बाद आप चाहे तो 3 डेज के बाद एक दिन रेस्ट ले सकते हैं, नहीं तो आप लगातार 5 डे के बाद भी रेस्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वीकली में एक दिन शरीर को रेस्ट की जरूरत है, हमें एक दिन रेस्ट देना ही होगा शरीर को, तो एक दिन हमें रेस्ट की जरूरत है। तो इसी तरह आप बांटेंगे, 3 डेज जाएंगे 2-2 किलोमीटर की रनिंग कर लेंगे, उसके बाद एक दिन आपको रेस्ट करने का मन है तो करेंगे, तो चौथा दिन से आप क्या करेंगे, किलोमीटर को बढ़ाएंगे। जैसे 2 किलोमीटर 3 दिन की, तो उसे क्या करें, कोशिश करेंगे 4 करने की, नहीं हो पाए तो थोड़ा कोशिश करेंगे 3 भी होगा, तो फिर क्या करेंगे, वो 3 दिन हम लगातार उसे फॉलो करेंगे। जैसे 2 किलोमीटर 3 दिन हमने फॉलो कर लिया, जो स्टूडेंट एक दिन रेस्ट लिया, उसके बाद जो 3 दिन होगा फिर हम क्या करेंगे, 4 किलोमीटर का क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे रूटीन। जैसे 4 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे स्टेमिना हम लोग का ग्रो होने लगा,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो स्टूडेंट रेस्ट नहीं लिए हैं तो वो रेस्ट लेंगे। उसके बाद वीकली में एक दिन हमें क्या करनी है, लंबी दौड़ लगानी। समझ में आया हम क्या बोले, वीकली में एक दिन आपको क्या करनी है, लंबी दौड़ लगानी। मतलब कि जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के रनिंग करने का, वो क्या करे हैं, 6 दिन में 4 किलोमीटर उनका स्टेमिना बना है, 4 किलोमीटर ही दौड़ सकते हैं। लेकिन वो क्या करना है, वीकली के लास्ट में उसे क्या करना है, खींचना है, उसे मेहनत करना है। अगर वो 4 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो उसे मेहनत करना है कि वो कोशिश कर सके उसे 6 किलोमीटर पूरी कर सके। तो बहुत स्टूडेंट सोचेंगे सर मेरे से नहीं होगा, तो मैं बोलता हूँ ज़रूर होगा। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एवरीडे 4 AM में उठता हूँ और फील्ड में जाता हूँ और मेहनत करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली आपको सारा कुछ दिखलाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। इसी तरह आपको ये रूटीन को फॉलो करना है। आपको सप्ताह सप्ताह जैसे 4 किलोमीटर हुआ तो उसे बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है, और वीकली आपको रेस्ट लेना ही है। जिनका रनिंग अच्छा है, स्टेमिना भी अच्छा है उनका, तो उनके लिए क्या करना है, एक चीज मैं बोलना भूल गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे जब वो रनिंग 2 किलोमीटर की पूरी कर लेंगे, जब स्टूडेंट्स 2 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे 10 मिनट, उसके बाद वो क्या करेंगे, 100 मीटर की अगर 4 सेट आप मार सकते हैं तो 4 सेट मारेंगे, 2 सेट मार सकते हैं तो 2 सेट मारेंगे। ये आपको रेगुलर करना ही है। अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तभी आपका स्टेमिना बन सकेगा और आप उत्पाद सिपाही मतलब एक्साइज कॉन्स्टेबल का जो रनिंग है, फिजिकल है, वो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आप 3 डेज 2 किलोमीटर की रनिंग किए, उसके बाद आपको 3 डेज जब 2 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं तो जब 2 किलोमीटर खत्म हो जा रहा है उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है 10 मिनट्स का। वो क्या क्या एक्सरसाइज होगा मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, 100 मीटर की 4 सेट लगानी है। अगर आप 4 सेट नहीं लगा पाते हैं, अगर आप थक गए हैं तो आप 2 सेट भी लगा सकते हैं, 2 सेट में काम चलेगा। लेकिन वो सेट को धीरे जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा आपको क्या करना होगा, वो सेट को क्या करना होगा, बढ़ाते जाना होगा। अब जैसे 100 का 4 सेट मारे तो अगर आप 2 सक रहे हैं 200 का तो आप 2 सेट ही मारे, अगर नहीं सक रहे हैं तो 1 सेट जरूर मारे। उसी तरफ क्या करना है आपको, थोड़ा सा मेहनत करना है। 100 मीटर का मारना है, 200 मीटर का मारना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है, 400 मीटर का मारना है, तो आपका क्या स्टेमिना क्या होता है, खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। अरे भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं 1 मंथ में मेरी रनिंग बहुत खराब थी, लेकिन मैं 1 मंथ में बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मैं खुद दिया हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बतला रहा हूँ, जो जो मैंने बतलाया उसे फॉलो ज़रूर करें। किसी तरह का आपको दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर बने रहें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।